हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज जिनका भी एग्जाम क्लियर हुआ है आपको बहुत अच्छे से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि आई थिंक टेन टू फिफ्टीन डेज़ में हमारे इंटरव्यूज़ की डेट आ जाएंगी और जिनका एस बी आई इंटरव्यू था उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बोनस पॉइंट है कि उनकी ऑलरेडी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही है बट जिनका नहीं था उनके लिए एक सजेशन है कि अभी से अपने बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत कम टाइम है आई थिंक इंटरव्यू की डेट्स के लिए तो इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए इट कैन चेंज योर डेस्टिनी फ्रॉम एन एस्पेरेंट टू एन बैंकर तो बहुत अच्छे से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनके लिए डोंट लूज होप 2022 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइन अप है इंक्लूडिंग आर तो आप उनको फोकस कीजिए और अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और आई थिंक सेवन डेज़ में हमारा इसका स्कोर कार्ड भी आ जाएगा तो आप इसके जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन में आपको ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत करने की उस अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कीजिए अपनी न्यू स्ट्रेटेजी बनाइए और 2022 में डेफिनेटली यू विल गेट योर जॉब और इसके अलावा मेरे रिजल्ट की बात करें तो एज़ यू कैन सी मेरा भी क्लियर हो गया है मीन्स बट जहाँ तक मुझे लगता है मेरा कट ऑफ से बहुत कम मार्क्स का मार्जिन होगा या तो जस्ट कट ऑफ मार्क्स होंगे क्योंकि मेरा पेपर उतना अच्छा गया नहीं था तो मैंने अपने खैर मार्क्स बताए नहीं थे तो लेट मी शो यू माई सो दीज आर माई अटैम्प्ट मेरा अटैम्प्ट रीजनिंग में था नाइनटीन मैंने मैथ्स में किए थे थर्टीन इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट था फोर जनरल अवेयरनेस में मैंने सेवनटीन किए थे जिसमें से मेरे पाँच सात तो आई थिंक गलत ही थे और डिस्क्रिप्टिव सबसे ज़्यादा लाइक हॉरीफाइंग था मेरे लिए क्योंकि इसमें लेटर राइटिंग में मैं सिर्फ वन ट्वेंटी वर्ड्स लिख पाई थी मेरा लेटर ओवर हो चुका था और ऐसे राइटिंग में मैंने हंड्रेड और लेस देन हंड्रेड वर्ड्स लिखे थे लाइक मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट था और उसके बाद मेन बॉडी जो होती है ना उसमें मेरा फर्स्ट पैराग्राफ की कुछ ही लाइन लिखी थी मैंने और टाइम फिनिश हो गया था तो मेरा बहुत गंदा गया था डिस्क्रिप्टिव और मुझे यही लग रहा था कि मेरा सेक्शनल रुक जाएगा इसमें बट लेट्स सी क्या मार्क्स आते हैं उसके बाद पता चलेगा कि कैसा परफॉर्म किया है मैंने सो so, अगर आपका भी क्लियर हुआ है या क्लियर नहीं भी हुआ है तो आप भी अपने अटैम्प्ट जरूर लिखिएगा सो दैट यू कैन गेट टू नो कि कितने अटैम्प और कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है और कट ऑफ्स क्या गई हैं उसके बाद हम जज कर पाएंगे कि हमारा किस सेक्शन में कमज़ोर होने की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है या क्लियर नहीं हो पा रहा है बाकी उसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो रिगार्डिंग इंटरव्यू तो यू कैन कमेंट इट डाउन आई विल ट्राई टू आंसर इट और गुड लक फॉर योर एग्जाम और गुड लक फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर